गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, AACC2 चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 4.2 का गुणधर्म हम लोग 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 3 गुणधर्म को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये 4.2 सबसे अच्छा चैप्टर है और इसमें से 2 क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देता है, ठीक है। इसलिए इसमें इसको अच्छा तरीका से समझना है, ठीक है। तो बोला गया है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीपल बाय के बाय कांस्टेंट के, इसका मतलब यह हुआ कि यदि प्रत्येक सारणी के रो और कलम में के से गुणा करते हैं, देन इट्स वैल्यू गेट, तो इसका जो वैल्यू हमें प्राप्त होता है मल्टीपल बाय के, वो के से गुणा माना जाएगा। हिंदी है, यदि एक साड़ी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है, ओके, k से गुणित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई हमारे पास साड़ी है और साड़ी में अगर हमको क्या करना है कि कोई अंश अगर हमको गुणा करना है तो गुणा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो गुणा अगर करेंगे तो समझेंगे कि वो पूरा क्या करेंगे हम लोग का वैल्यू गुणा है, ठीक है, बोले गुणा माना जाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, यदि किसी साड़ी के एक पंक्ति को पंक्ति एक में या एक स्तंभ, साड़ी का डिटरमिनेंट का कोई एक ही रो या कोई एक ही कलम लीजिएगा, अगर प्रत्येक अवयव में अगर k से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू भी k से गुणा माना जाएगा। जैसे देखिए यहां पर हम क्या बात करना चाह रहे हैं, देखिए यहां इस प्रॉपर्टी को हम सिद्ध सोल्व कर देखिए, लेट डेल्टा इक्वल a1 a2 a3 b1 b2 b3 C1, C2, C3, क्लियर है, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रश्न लेने पर कहेंगे कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रश्न, ठीक है। तो पंक्ति हम लोग ऐसे होता है, तो प्रथम है तो A1, तो डेल्टा इक्वल लिखेंगे A1, यहां बताए कि इसके रो और कलम को बंद करेंगे तब समझ के होंगे B2 B3 C2 C3 माइनस A2 होता है, चीन पर पट्टी जानते हैं, तब B1 B3 C1 C3 और इसके बाद A3 होता है, A3 में हो जाएगा B1 B2 C1 C2, क्लियर है। डेल्टा इक्वल यहां A1 लेंगे और यहां B2 C3 माइनस B3 C2 B1 C3 माइनस B3 C1 और यहां लिखेंगे A3 इक्वल, यहां बन जाएगा क्या B1 C2 माइनस B2 C1, ओके क्लियर है ना बाबू। चलिए अब हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति के, अब इसकी प्रथम पंक्ति के अवयवों को के से गुणा करने पर प्राप्त सारणिक Δ1 है तो यहां लिखेंगे गुणा करें प्रथम पंक्ति में तो K A1 K A2 K A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 याद रखिएगा, ऐसे लिख लिए, ठीक है। इंग्लिश वाले इसको लिख लीजिएगा कि अब इसकी प्रथम पंक्ति के द मल्टीपल ऑफ के इन फर्स्ट रो, देन डिटरमिनेंट वी गेट Δ1। अगर मान लेते उसमें के से मल्टीप्लाई करते हैं तो
लिखिएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा इंग्लिश में, हम बोल दे रहे हैं यहां पर इसका इंग्लिश है कि डेल्टा वन बी द डिटरमिनेंट, डेल्टा वन बी द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय मल्टीपल, डेल्टा वन बी द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय मल्टीपल द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो मल्टीपल द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो बाय के बाय के, देन इसके नीचे उतार लीजिएगा, ठीक है इंग्लिश में वाले। चलिए जब इसको करेंगे तो फिर क्या, इसमें क्या करें कैसे, कोई एक ही रो आप कलम में करेंगे तो एक ही रो या तो रो में ही करेंगे तो कलम में करिए, हम किसने किए रो में किए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, इसको मिटा रहे हैं, अब यहां पर हम इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, यहां फिर लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, क्लियर है। एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो में जब चलेंगे तो डेल्टा वन इक्वल हम लोग लिखे K1 को बाहर निकालेंगे तो K1 को बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा, B2 B3 C2 C3 माइनस KA2, बोलिएगा आगे B1 B3 C1 C3 आगे KA3 क्या बन जाएगा बाबू, ये B1 B2 C1 C2 हल किया जाए तो डेल्टा वन इक्वल KA1 और लेंगे B2 C3 माइनस B3 C2, यहां जब लिखें KA2 इक्वल B1 C3 माइनस B3 C1 और यहां जब लिखें KA3 इक्वल B1 C2 माइनस B2 C1, हो गया ना बाबू। अब यहां क्या करेंगे कि डेल्टा वन इक्वल के का कॉमन ले रहे हैं पूरा में तो A B2 C3 माइनस B3 C2, यहां लेंगे A2 B1 माइनस, इसको मिटा दे रहे हैं B1 C3 माइनस B3 C1 और यहां है A3 B1 C2 माइनस B2 C1, हो गया क्वेश्चन वन। चलिए तो डेल्टा वन इक्वल यहाँ के हो जाएगा और इसका जो वैल्यू है डेल्टा के बराबर है तो डेल्टा वन इक्वल के डेल्टा। तो ध्यान रखना है बाबू यहाँ पर कि यदि किसी डिटरमिनेंट में अगर कोई एक रो और कलम में गुणा कर देते हैं तो समझिएगा कि जो हम लोग का डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पूरा के से गुणा माना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी क्या हो गया, 4 हो गया, ये प्रॉपर्टी क्या बन गया बाबू, 4, ओके। अब ध्यान देना यहां पर, जैसे मान लेते हैं कि एक हम लोग का क्वेश्चन हम आपको डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ डिटरमिनेंट क्या है 2 3 1 क्या है 5 है, अब बोल रहा है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तब 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो टोटल में नहीं करेंगे, कोई एक ही रो या चाहे कोई एक ही कलम में करिएगा, कोई एक ही रो या एक ही कलम में करिएगा तभी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, कोई एक ही रो में, तो मान लेते रो में हम कर रहे थे क्या हो जाएगा 4 6 1 5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको क्या करिएगा, इसको कॉलम में ही कर दीजिए चाहे दूसरा रो में करिए, तो क्या हो जाएगा 2 3 2 10 हो जाएगा, या एक और लिख सकते हैं इसका क्या लिख सकते हैं 2 2 3 5, एक और लिखिए बोलिए क्या हो जाएगा 2 1 6 और क्या हो जाएगा 10, क्लियर है। अब देखिए आप ये चारों में से कोई भी अगर किसी में भी मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 6 2 10 तो ये रॉन्ग माना जाएगा, ये क्या मानेंगे, इसको रॉन्ग मानेंगे। ये प्रोसेस कब होता, जब ही हम लोग का मैट्रिक्स होता, तो मैट्रिक्स में हम ऐसा करते थे 4 6 2 10 इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिंबल कैसा होता है, क्लोज इंटरवल,
और डिटरमिनेंट का क्या होता है, ए वर्टिकल टू लाइंस होता है। दोनों में क्लियर समझ गए, क्लियर समझ गए होंगे आई होप। तो देखिएगा तो ए क्या करें, डिटरमिनेंट का भी हल करने चलिएगा बाबू लोग। तो डिटरमिनेंट में जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक ही रो या एक ही कॉलम में करोगे, देखिए या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए कोई, लेकिन अगर पूरा ऐसे कर दीजिएगा कि हमारा रॉन्ग बना गया, ये रॉन्ग है। और ए देखिए, ए प्रोसेस कब करते हैं, जब कोई मैट्रिक्स रहेगा तब। याद रखिए एक पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में, यदि किसी डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी यंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक ही रो या कलम में ही करना होगा। अब देखिएगा आप लोग विश्वास किसी की सही है, सबका वैल्यू निकालिए, देखिए सबका सेम आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना तो 20 - 6 हल करेंगे 14 हो जाएगा। इसका भी निकालिए कितना हो जाएगा, 20 - 6 हल करिए कितना आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 14 हो जाएगा। इसका भी करिए देखिएगा 10 - 1 कितना का 6, ये कितना बन जाएगा 4। अरे बोलिएगा, ए बोलिएगा, एक मिनट मल्टीप्लाई गलत हुआ है क्या, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 है यहाँ पर, ध्यान 4 देखिए अच्छा से, 2 - 4 - 2 - 3 - 5 ठीक है ना। चलिए तो इसका कितना का 20 और ये कहा 6 - 14 और इसका भी करिएगा क्या हो जाएगा 20 - 6 कितना है 14 ठीक है ना। तो आप लोग क्या देखें, सबका जो मल्टीप्लाई है सबका सेम आया कि नहीं आएगा बाबू, तो यही ध्यान रखिएगा। इसका मेन पॉइंट यही है, चौथा प्रॉपर्टी यही कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में अगर हम कोई यंग से गुणा करते हैं तो कोई एक ही रो या कलम से ही गुणा करना होगा, सब में गुणा मत करिएगा। या तो आप एक ही कलम लीजिए या एक दूसरा ही कलम लीजिए या तीसरा ही, कोई एक ही कलम या रो में गुणा करना होगा, इसका मतलब कोई एक ही पंक्ति स्तंभ में गुणा करिएगा। देख लिया आपको सामने दिखा दिए, और पूरा कब गुणा करते हैं, जब मैट्रिक्स होगा तब आव्यूह होगा। तो याद रखिएगा आव्यूह में गुणा टोटल के साथ करते हैं, जबकि डिटरमिनेंट जिसको हम सारिक बोलते हैं, सारिक में हम लोग गुणा क्या करते हैं कि कोई एक ही रुआ कलम में करते हैं। तो ये हम लोग का चौथा प्रॉपर्टी है ठीक है। तो चौथा प्रॉपर्टी यही कहता है ठीक है बाबू, चौथा प्रॉपर्टी का कुछ नोट है, हम नोट को यहां लिखवा दे रहे हैं ओके। चौथा प्रॉपर्टी का फर्स्ट हम लोग का नोट बोल रहा है, यहां ध्यान रखिएगा। इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा है यदि एक सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव
संगत अवयव, समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती है तब उसका मान, तब उसका मान, तब उसका मान भी तब उसका मान शून्य होता है, तब उसका मान शून्य होता है, ठीक, तब उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ओके चलिए इसका इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, इसका इंग्लिश पॉइंट है, इसका इंग्लिश में नोट है। बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक, वी कैन टेक आउट, टेक आउट एनी, एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन, फ्रॉम एनी वन रो और कलम, रो और कलम ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट। दूसरा इसका है, इफ कोरेस्पोंडिंग, इफ कोरेस्पोंडिंग, इफ कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट, इफ कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, इफ कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू, ऑफ एनी टू रो और कलम्स, एनी टू रो और कलम्स, कलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, ऑफ ए डिटरमिनेंट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल देन, देन, देन इट्स वैल्यू, देन इट्स वैल्यू इज जीरो, देन इट्स वैल्यू इज जीरो, ठीक है। और इसे का नाम है कि इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारे के किसी पंक्ति, किसी एक पंक्ति स्तंभों से सार्व उभयनिष्ठ गुणधर्म बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार गुणा एक ही पंक्ति में करते हैं या एक ही स्तंभ में, ठीक उसी प्रकार अगर कॉमन निकलने वाला होगा तो हम कॉमन एक ही पंक्ति से या एक ही स्तंभ से क्या कर सकते हैं, मतलब एक ही रो कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कॉलम अगर उसका कोरेस्पोंडिंग मतलब संगत अवयव सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो गुणधर्म कितना हो गया, चार। अब हम गुणधर्म पांच का बात करने जा रहे हैं, गुणधर्म फाइव। हम लोग गुणधर्म फाइव गुणधर्म फाइव गुणधर्म फाइव है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइव गुणधर्म फाइव, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें गुणधर्म फाइव में क्या बोल रहा है, इफ सम, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स
ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर सम ऑफ टू और मोर टर्म्स then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। इसका हिंदी दिया हुआ है पांचवा का। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति आस्तम के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पौधों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इसका डिटरमिनेंट दिया है, ध्यान रखिएगा, a1 + (delta1), a2 + (delta2), a3 + (delta3). इसके बाद क्या है, b1 c1 b2 c2 b3 c3। देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहा है। बोला है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, उसके एक रो या कलम, उसके एक या रो या कलम के सम एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट, टू और मोर, दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, तो उसको हम दो या दो से अधिक सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, इसका कहना है कि मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट दिया है, ए रो कहलाएगा और ए कॉलम कहलाएगा। तो बोला गया कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई रो मतलब पंक्ति, कोई कॉलम मतलब स्तंभ, कोई पंक्ति या कोई स्तंभ
को दो या दो से टू और मोर दो या दो से अधिक पदों के जो फल सम ऑफ टर्म पदों के जो फल के रूप में दिया हुआ हो तो हम उसको दो या दो से अधिक सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझिएगा तो यहां पर हम लोग क्या दिया कि ये वो सारणी दिया हुआ है ना बाबू, यहाँ डिटरमिनेंट को को दिया है एक, लेकिन इसका पद जुड़ा हुआ है कि नहीं, कब पद जुड़ा है, दो 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 पद जुड़ा हुआ है, तो हम इसको जब दो दो पद जुड़ा रहेगा तो हम उसको दो गो डिटरमिनेंट के रूप में दिखा देंगे, अगर तीन गो जुड़ा हुआ रहेगा तो तीन गो के रूप में। इसको कैसे दिखाएंगे, दिखाने का तरीका समझिए, पहले इसका शुरू वाला लिख लेंगे सबका, तो ए वन बी वन सी वन, फिर इसका शुरू वाला ए टू बी टू सी टू, इसका शुरू से ए थ्री बी थ्री सी थ्री, प्लस प्लस के बीच में प्लस है आगे, फिर इसको लिखेगा, फिर ए वन तब होगा डेल्टा को लेकर चलेंगे, तो डेल्टा बी वन सी वन, डेल्टा सम में है डेल्टा वन डेल्टा टू बी टू सी टू, डेल्टा थ्री, इसको यहां अच्छा से दिखा दे रहे, ए प्लस हो गया और यहां इसका टर्म दिखा दे रहे। अब देखिए डेल्टा वन बी वन सी वन, डेल्टा टू बी टू सी टू, डेल्टा थ्री बी थ्री सी थ्री, ये हम लोग का टर्म हो गया। ठीक है, तो यही बोल रहा है डिटरमिनेंट कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कलम, एक रो या कलम दो या दो से अधिक टर्म सम ऑफ टर्म के रूप में हो तो हम उसको दो को डिटरमिनेंट दिखा सकते हैं। यहाँ कितना डिटरमिनेंट था, एगो था, यहाँ कब दिखा दिए दो को, लिखने का तरीका पहले लिखने के इसको बंद कर देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, हो गया। फिर अब इधर से क्या करें, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद करेंगे ऐसे लिख देंगे, इसको बंद करेंगे ऐसे, इसको बंद कर देंगे, यही पांचवा प्रॉपर्टी है। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो एक कलम का टर्म जो होगा दो या दो से अधिक के रूप में सम के रूप में हो तो हम उसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रॉपर्टी हुआ। तो हम लोग का प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और का है फाइव, जास्ती इंपॉर्टेंट हम लोग का थ्री और फोर है, जास्ती जो इंपॉर्टेंट है थ्री और का है फोर है। थ्री और फोर को याद रखिएगा, थ्री कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या दो कलम के कोरिस्पोंडिंग मतलब संगत एलिमेंट इक्वल हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। और फोर कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कॉन्स्टेंट से गुणा करते हैं, तो अगर कोई एक ही रो या कलम में गुणा करिएगा, अगर कोई एक ही रो और कलम में गुणा करिएगा तो समझिए कि हम लोग का डिटरमिनेंट पूरा में गुणा हो गया। ठीक है, अब पांचवा भी तीन चार पांच याद रखिए। पांचवा कहता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट के कोई एक रो या एक कलम में दो गो पद दो दो पद जुड़ा हुआ है तो हम उसको दो गो डिटरमिनेंट के रूप में दिखा सकते हैं। तो यही हम लोग का प्रॉपर्टी है, लेकिन मेनली प्रॉपर्टी थ्री फोर और क्या है फाइव है। हम थ्री फोर फाइव पर ही हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर क्या था, फाइव था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बाबू, अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आप ध्यान दे रहे हैं बाबू, यहां पर एकदम याद रखिएगा नोट, एक अच्छा तरीका से नोट को ग्रहण करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोग को क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझने के हिसाब से नहीं बता रहे, बस आपका जितना रूल है हम बता रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन भी बताएंगे अगर नहीं भी समझ में आएगा तो उसे घबराइएगा मत, क्योंकि अगला वीडियो में अच्छा तरीका से जान लीजिएगा। क्योंकि हम पहले बताते अपनी क्लासों में भी बताते हैं कि जो भी बाहर चल रहे हो तो उसको पहले बोल देते हैं कि याद नहीं, दो दिन के बाद समझ में आएगा, लेकिन आएगा, आता है ना। ठीक किसी प्रकार हमें देखिएगा कि आज थोड़ा सा जो इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन देंगे, एक या दो को, एक से ज्यादा दो को नहीं देंगे तो उसमें थोड़ा सा रूल बताएंगे, ये मत समझे कि हमको समझ में नहीं आएगा, सब आएगा, घबराइएगा मत। ओके चलिए, नोटिस का पहला है कि सबसे पहले कोई भी डिटरमिनेंट दिया रहेगा ध्यान सावधानियां बरतिएगा, है ना। तो सबसे पहले याद रखना होगा कि मान लेते इसको ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। सावधानियां है कि कोई भी डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए, है ना, कब याद रखिएगा जब वो वेरिएबल के रूप में दिया हुआ होगा, तब अंक के रूप में देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग देखिए बाबू कि 4.1 जो चैप्टर पढ़े थे उसके डिटरमिनेंट में अंक देता है, तीन पांच छ एक दो तीन चार पांच सात, ए में देता था। अगर दिया भी होगा तो
तो कोई एक वो वेरिएबल दिया होगा। चलिए तो पहले क्लियर समझ लीजिएगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि हम प्रॉपर्टी के सहायता से हल करेंगे और कैसे जानेंगे कि वो प्रॉपर्टी के सहायता से हल नहीं करेंगे। क्या एग्जाम में बोलेगा? हाँ, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है, लेकिन आप हमारा रूल के अनुसार चलिएगा। याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी का यूज तब करेंगे जब हम लोग का डिटर्मिनेंट में टू ऑल एलिमेंट मतलब वो छुप भी सकता है, ऑल एलिमेंट वेरिएबल के रूप में दिया होगा तब वेरिएबल के रूप में माने मिक्सिंग होना चाहिए और क्या नहीं आप बोल सकते, मिक्सिंग होना चाहिए। यानी कुछ पार्ट ए बी सी डी एक्स वाई या कुछ पार्ट अंक दिया रहे है ना, तब हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप प्रॉपर्टी का यूज कब नहीं करेंगे? जब डिजिट देगा तब, और जब एगो वेरिएबल या दो को दिया रहेगा तब। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब डिजिट दिया रहेगा तो हम जो सिंपल 4.1 में पढ़े हैं उसी के अनुसार बनाएंगे। अंक दिया रहेगा तो 4.1 के अनुसार बनाएंगे। जहां ए बी सी डी एक्स वाई जेड की संख्या ज्यादा हो जाएगा, दो या दो से अधिक हो जाएगा, तो हम समझेंगे अगर डिटरमिनेंट के अंदर अगर वेरिएबल की संख्या एक्स वाई जेड की संख्या दो या दो से अधिक हो जाएगा तो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, गुणधर्म का यूज करेंगे। जब नहीं होगा तो हम सिंपल बना देंगे। ठीक है, तो 4.1 बना लिए। तो याद रखिएगा कि 4.2 के क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम रो और कलर को चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा इसको R1, R2 और क्या है बाबू R3। तो R1, R2 और R3 सबसे पहले R1, R2 और R3 का बात करेंगे। देखिए R1 का जो एलिमेंट होगा इस साइड में होता है, R3, R2 इस साइड में, रो हमेशा ऐसे जाता है, रो का एलिमेंट ऐसे जाएगा, और कॉलम SC1 हो जाएगा, SC1 C2 C3 C1 का कॉलम एलिमेंट ऐसे गिना जाता है। पहले क्लियर याद रखिएगा, इसको भूल गए 4.2 को भूल गए, अगर इसको नहीं भूलिएगा तो एकदम पकड़ लेगा, मजबूती से ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कोई भी डिटरमिनेंट को हल करने चलेंगे तो हल करने से पहले उसमें R1, R2, R3, C1, C2, C3 को खोजना होगा। अगर R1, R2, R3 गुण अगर खोजने में भूल गए तो आपका डिटरमिनेंट 4.2 का जो भी क्वेश्चन होगा खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार फिर समझिए, कब हम लोग 4.2 के अनुसार हल करेंगे और कब 4.1 के अनुसार हल करेंगे। तो 4.1 के अनुसार तब हल करेंगे जब डिटरमिनेंट के अंदर टोटल अंक हो या अगर उसमें वेरिएबल हो तो एक या दो, उससे ज्यादा न हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुणधर्म का यूज करेंगे। देखिए आगे बनाते बनाते खुद तरीका मालूम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें इस हिंदी कोई हम आपका रूल नहीं दे रहे, नोट दे रहे, हम अपना से बना रहे जो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी में ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख रहे हैं हम यहां पर ऐसे, उसके बाद देखते हैं कि सारणी के कोई एक पंक्ति या स्तंभ में एक है कि नहीं, एक कोई सारी के कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में एक मतलब वन एक है कि नहीं, यदि है तो उसे शून्य बनाए। देखिए उसके बाद जब इतना काम कर लीजिएगा तो दूसरा पॉइंट नोट को याद रखिए, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद
यहां बात करिएगा। उसके बाद देखते हैं कि सारणी के कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, ये समान्तर ऐसे ध्यान रखना होगा, मान लेते हम दे दिए एक दो एक ए ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अगर मान लेते कि ये अगर हमको हल करने के लिए मिले, क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अभी समझिए, अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा कि क्या उसके बाद पहले ऐसे चयन करेंगे, जैसे पहले करेंगे आर वन आर टू आर थ्री सी वन सी टू सी थ्री, क्लियर हो इससे पहले कर लीजिएगा। पहला रूल आपका खत्म हो गया। दूसरा का कहे कि उसके बाद देखते हैं कि सारणी की कोई एक पंक्ति स्तंभ में, तो कोई एक पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ में सभी स्तंभ पंक्ति स्तंभ के सभी अवयव में एक है कि नहीं। तो देखिए कोई एक ही तो पंक्ति में रहेगा नहीं तो स्तंभ में रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक किसमें है, पंक्ति में आया है बाबू, आर वन में तो आर वन में टोटल एलिमेंट एक एक है ना, तो एक एक होगा। अगर है तो उसको शून्य बनाए, क्या बनाए, शून्य। कैसे बनाएंगे तो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा है, तीसरा पॉइंट है, शून्य करने के बाद, शून्य करने के बाद, शून्य करने के बाद सारणी के अंदर, सारणी के अंदर कॉमन और सूत्र प्रयोग होता है, कॉमन और सूत्र प्रयोग होता है तो प्रयोग करें। एक कोई नियम नहीं है, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, आपको समझने के लिए, आपको बनाने के लिए बात बोलना जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इतना पढ़े तो आपका इंग्लिश में थोड़ा इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आप बोल चाल के भाषा में दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो शून्य करने के बाद, उसके बाद शून्य करेंगे, शून्य करने के बाद अगर सारणी के अंदर कॉमन अगर लेने वाला होगा तो कॉमन लेंगे, अगर कॉमन नहीं लेना होगा तो क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करें। सूत्र का प्रयोग में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, जो भी फॉर्मूला वो करेंगे। आ देखिए उसके बाद तब सारणिक से कॉमन लेते हैं। देखिएगा जैसे मान लेते हैं हमारे कहा नाम क्या है, समझ लीजिए कुछ ऐसा भी बात होगी, इसके मान लेते हैं पर फोर है ना, फोर एट मान लेते हैं, यहां सिक्स हो गया, तो क्या एक सारणी के अंदर कॉमन निकलने वाला है कि नहीं है, इसमें दो दो का कॉमन निकलने के अंदर कॉमन निकलेगा, और अंदर कॉमन निकालने के बाद फिर पूरा डिटरमिनेंट से भी निकालेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, तो खुद समझिएगा, अब यहां पर थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है ना। तब सारणी से कॉमन लेते हैं, अंत में प्रसरण करते हैं, जिसके पंक्ति और स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिक हो। इसका समझिएगा, यही आप लोग का 4.2 जो चैप्टर हम लोग हल करेंगे तो उसके लिए एक दावा का काम करेगा। देखिए कैसे करेंगे, एक बार फिर से इसको बता दे रहे हैं।
पहला में कोई भी चार पांडु के क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1, R2, R3, C1, C2, C3 का प्रयोग करेंगे। पहला बात रहा कि कैसे जानेंगे 4.2 पर बनाएंगे, कैसे जानेंगे 4.1 पर बनाएंगे, तो जिस डिटरमिनेंट के अंदर आप उस अंदर ऐसे अंदर अगर ए बी सी डी एक्स वाई जेड अगर रहेगा तो हम समझेंगे दो या दो से अधिक हो तो हम समझेंगे प्रॉपर्टी 4.2 के अनुसार बनेगा, अगर नहीं रहेगा अंक रहेगा तो हम उसको 4.1 के अनुसार बनाएंगे। दूसरा कह दी उसके बाद देखते हैं कि सारणी के कोई एक पंक्ति स्तंभ के सभी अवयव में एक है कि नहीं, यदि है तो शून्य बनाए, यदि आ गया तो शून्य बनाए। शून्य करने के बाद सारणी के अंदर कॉमन सूत्र का प्रयोग होता है, अगर मान लेते हैं कि शून्य आ गया तो फिर सारणी के अंदर देखेंगे कि कॉमन सूत्र बैठने वाला है कि नहीं, अगर बैठेगा तब सारणी से कॉमन लेते हैं, पूरा सारणी से बाहर निकाल देंगे और अंत में प्रश्न करते हैं जिसके पंक्ति और स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिक हो, और अंत में उसका प्रश्न लेंगे उधारी लेंगे जिसमें शून्यों की संख्या सबसे क्या हो अधिक हो, हम लोग उसी तरफ क्या करते हैं प्रश्न लेते हैं। ओके, तो ये हम लोग का क्या हो गया बाबू, ए इसका कंडीशन था, पहले इसमें प्रॉपर्टी पढ़े, प्रॉपर्टी कल के वीडियो में 3 था, आज के वीडियो में 2 है, आपको इसका नोट है। अब हम लोग कल के वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो कल के वीडियो में हम लोग 4.2 के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, तो जितना आप लोग का धीरे धीरे जितना हम लोग का जब तक हमारे देश में कोरोना वायरस रहेगा है ना, तब तक कोचिंग संस्था या विद्यालय का खुलना असंभव है, और जब तक नहीं खुलता है तब तक अपने कोर्स को हम कोर्स को इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे पढ़ाएंगे, और जैसे जैसे कोर्स आपको बता रहे हैं है ना, उस कोर्स को आप लोग मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक फेयर का कॉपी बना लीजिए, आप लोग इस वीडियो में बता देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग का जो कोचिंग में जो चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक जो बताए रहे होंगे केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक चैप्टर में 2 या 2.5 चैप्टर पढ़ाकर वहां से खत्म बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो चैप्टर को हम तभी पढ़े जितना हम क्लास में पढ़ाते थे, उसको हम अब क्लास खुलने के बाद पढ़ाएंगे। ओके, और जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें जो पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू से पढ़ा रहे हैं, का पढ़ाए हम शुरू से पढ़ा रहे, तो उससे मत घबराइएगा कि जो हम क्लास में जो पढ़ाए थे उसको छोड़ दे, नहीं बाबू सबको पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। कुछ लोग का ये जवाब था कि सर 5.8 नहीं पढ़ाइएगा, 5.8 और अध्याय भी प्रश्न वाले छूटा हुआ, हाँ पढ़ाएंगे लेकिन सोच रहे हैं कि 4 वाले चैप्टर को पढ़ाकर उसके बाद हम 5.8 वाले चैप्टर, उसके बाद लगातार 5.8, उसके बाद 20 प्रश्न वाली है, उसके बाद 6.1 खत्म करेंगे, ठीक है, तब आप लोग को विश्वास है कि छोड़ेंगे कोई क्वेश्चन को नहीं, ठीक है ना, बस धीरे धीरे अपना मेहनत करें जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग का ये वीडियो 4 या 5 वीडियो बनाने में हम जितना मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग को क्योंकि मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, हम एक मोबाइल के सहारे इस वीडियो को बना रहे हैं, अगर थोड़ा सा छोटा लिखा गया होगा या अगर मान लेते हैं कि दिखाई नहीं देता होगा, उसके लिए हमारे पास उपाय नहीं है, आपको क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमारे कुछ बोलने वाले वर्ड को भी पकड़कर आप उसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत, लेकिन हमारे वीडियो को अब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करिएगा तभी हमको लगेगा कि हमारा बनाया हुआ वीडियो और हम जिस पर काम कर रहे हैं उस पर हम अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।